أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين تقدير एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल माजी में भी हुआ था और आज भी हो रहा है। बहुत से अफराद ऐसे गुजरे जिन्होंने अपने आमाल के दामन को गुनाहों से पाक करने के लिए इस लफ्ज़ तकदीर का सहारा लिया और अपने गुनाहों की तौजीह ये कहकर करने की कोशिश की कि आखिर ये तकदीर में लिखा था। अपने गुनाहों का इल्ज़ाम तकदीर पर डालने को जबर कहते हैं और इस अकीदे के मानने वालों को मुजब्बरा। दुश्मनान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने भी इसी अकीदे जबर का गलत इस्तेमाल करके अपने तमाम बुरे आमाल और मजालिम को सही साबित करने की नाकाम कोशिश की और उन जालिमीन के चाहने वाले शिद्दत पसंद अफराद आज भी उसी जबर के अकीदे की बिना पर यजीद इब्ने मुआविया जैसे मलऊनों की हिमायत करते हैं। खुद उमर साद लानतुल्लाह अलैह से पूछा गया था कि जब तुझे मालूम था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं और उनकी कदर व मंजिलत क्या है, फिर भी तूने हुसैन का कत्ल क्यों किया? उस मलून ने अपने इस गुनाह से दामन बचाने के लिए इसी अकीदे जबर का सहारा लेते हुए ये कहा था कि ये तो तकदीर में लिखा था। लफ्ज़ तकदीर का इस्तेमाल करके और जबर के अकीदे के तहत वो खुद को कत्ल हुसैन से बरी जिम्मा करना चाहता था, लेकिन जबर का मुखौटा पहने उन जालिमीन के चेहरे को जिस शख्स ने अपने अमल से बेनकाब किया उसका नाम था जनाब हुर इब्ने यजीद रियाही अलैहिस्सलाम। सुबह आशूर हुर ने खुद को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पाया और हुर की इस पसोपेश को देखकर उनके साथियों में से एक ने कहा कि ऐ हुर, अगर हमसे कोई पूछे कि कूफे का सबसे शुजा शख्स कौन है तो हम तुम्हारा ही नाम लेंगे। लेकिन अब हुर के लिए ये वाज़े हो चुका था कि शुजात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को गरीबुल वतनी में और अंसार की किल्लत के बावजूद कत्ल करने को नहीं कहते। शुजात इसमें है कि हक की दिफा के लिए और फर्जंद रसूल की हिमायत में अपनी जान कुर्बान की जाए। अगरचे उस वक्त तक हुर का गुनाह अजीम था, लेकिन वो ये बखूबी जानता था कि हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के पास जा रहा हूँ जो करीम बिन औलादिल किराम हैं और फर्जंद फ़ातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। यही अजमत जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैहा का एहतराम और बातिल को तर्क करके हक की तरफ पलटने का जज्बा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी हुर की तौबा को कबूल किया और हुर से कहा कि अंत हुर्रुन फिद दुनिया व सईदुन फिल आखिरा, ऐ हुर, तू दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी सआदतमंद है। हुर ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान दुनिया में अल्लाह और उसकी हुज्जत की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करता है तो उसकी आखिरत में उसे अल्लाह की मर्ज़ी हासिल होती है। इस तौबा के एवज़ में जो मकाम अल्लाह और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हुर अलैहिस्सलाम को अता किया वो ये था कि किताब मालिस सिबतैन में रिवायत है कि अव्वलु मन कुतिल मिन असहाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम फिल मुबारज़ते, असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में सबसे पहले मैदान जंग में जो शहीद हुआ वो जनाब हुर इब्ने यजीद रियाही थे। न सिर्फ ये कि वो पहले शहीद थे बल्कि तमाम शहदा में जनाब हुर का एक मुनफरद मकाम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर की पेशानी पर रुमाल हज़रत फ़ातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा बांधा। इसके अलावा आज शियत को दुनिया भर में जो इम्तियाज़ हासिल है जिसकी पुश्त पनाही हमारे उलमा और मराजे किराम ने की है, उनमें से एक जलील कद्र आलिम और मुहद्दिस गुजरे हैं जिन्हें हम शेख हुर्र आमिली रिजवानुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानते हैं, जिन्होंने वसाइलु शिया जैसी गिरा कद्र किताब लिखी जो शियों के लिए आज एक ज़खीरा है। वो शेख हुर्र आमिली भी जनाब हुर इब्ने यजीद रियाही की नस्ल से थे। द स्ट्रॉन्ग रोप अलैहिस्सलाम की टीम आप सब की तरफ से लश्कर हुसैनी के सबसे पहले शहीद मर्द मुजाहिद मर्द शुजा जनाब हुर इब्ने यजीद रियाही अलैहि रहमतु व रिजवान की बारगाह में सलाम पेश करती है और साथ ही साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि खुदा बंदे आलम अपनी आखिरी हुज्जत हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़ के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील अता फ़रमाएँ और मिसले हुर
हमें हक़ को बातिल में तमीज़ करने और अपने इमाम वक्त की बारगाह में अपने इमाम वक्त की खातिर अपनी जान को कुर्बान करने की तौफीक इनायत फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन।